नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज हम आपको एक ऐसे खूंखार कातिल का चेहरा दिखाएंगे जिसने पिछले 1.5 महीने में हमारे 37 जवानों को शहीद कर दिया। इस शातिर हथियारे का आतंक पिछले 5 साल से बदस्तूर जारी है। पिछले 10 साल से ना तो किसी ने इसकी शक्ल देखी है, ना ही किसी को इसका पता चल पाया है। आज हम आपको इस शख्स का खूनी चेहरा दिखाएंगे। वो बेरहम, वो शातिर, वो खूंखार। उसने बना रखी है अपनी एक फौज, उसने खड़ी कर ली है आतंकी सल्तनत। उसके निशाने पर होते हैं वर्दी वाले जवान। वो छिपकर हमला करता है और फिर गायब। अपनी इन्हीं शातिर तरीकों से ये खूंखार शख्स पिछले 1.5 महीने में 37 जवानों को शहीद कर चुका है। इस शातिर शैतान का गढ़ है छत्तीसगढ़ का सुकमा। सुकमा छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जहां जंगलों का ऐसा जाल है जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं। इन्हीं जंगलों को अपना हथियार बनाकर नक्सली यहां आतंक का खूनी खेल खेलते हैं। नक्सलियों के इस खूनी खेल का सबसे खूंखार नाम है माईवी हिटमा, 40 लाख का इनामी नक्सल। नक्सलों की दुनिया में आज ये सबसे खूंखार चेहरा समझा जाता है। सुकमा में इसकी पहचान हिडमा के नाम से भी होती है। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लोग बस्तर में आए थे उनका बटालियन, वो टाइप के बटालियन, इसका कहते हैं आर्म्ड बटालियन। इसमें एक आदमी है हिडमा, हिडमा का हेडक्वार्टर है ये सुकमा का ये इलाका, वहाँ पे दोनों हुआ। ये शख्स इतना शातिर है कि पिछले 10 साल से इसे किसी ने नहीं देखा है। ये इसकी 10 साल पुरानी तस्वीर है। हिडमा कितना खतरनाक और शातिर है ये उसकी चार्जशीट देखकर ही साफ हो जाता है। पिछले 7 साल से छत्तीसगढ़ में जितने बड़े नक्सली हमले हो रहे हैं उन सब की साजिश हिडमा ने ही रची थी। हिडमा के हमले में 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 2012 में सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का इसने अपहरण किया। 2013 में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में 31 लोगों की मौत हुई, जबकि इस साल 2 अलग अलग हमलों में 37 सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके हैं। आतंक का इतना खूंखार खेल खेलने वाला हिटमा आखिर कानून के हाथ क्यों नहीं लग रहा है? इसका जवाब तलाशने पर हमारा सामना एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से हुआ। वीरप्पन एक खूंखार डकैत था जिसने कर्नाटक से लगे आसपास के जंगलों में कई साल तक राज किया। माना जाता है कि उसे ढेर करने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये मानना है गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार का। के विजय कुमार वही शख्स हैं जिन्होंने 2004 में वीरप्पन को ढेर किया था। विजय कुमार के मुताबिक हिडमा को पकड़ना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसकी रणनीति ठीक वीरप्पन जैसी है। उसने इलाके के गांव वालों और आदिवासियों को अपने साथ मिला रखा है। वीरप्पन का सिचुएशन जरूर ये करेक्ट है कि ट्राई जंक्शन में हुआ था, कर्नाटक का केरला और तमिलनाडु का ट्राई जंक्शन में हुआ था, जैसे यहाँ भी तेलंगाना आंध्र और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और उड़ीसा का जंक्शन है ये। और ये और एक चीज़ भी कॉमन पॉइंट है, उनके पास इंटेलिजेंस, क्योंकि गांवों का इंटेलिजेंस उनके पास ज़्यादा चलते थे, सेम टाइप का यहाँ भी सेम कंपैरिजन चलेगा। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सभी लोग उसका साथ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बंदूक के डर से वो मजबूर है। कुछ ऐसा ही वीरप्पन के भी मामले में था। लोग डर की वजह से वीरप्पन के बारे में मुंह नहीं खोलते थे।
इन्होंने अपना एक टेरर क्रिएट किया हुआ है उनके खिलाफ। देखिए, ये जब भी कभी नक्सल होगा या टेररिज्म होगा या कोई भी एंटी गवर्नमेंट ऑपरेशन होंगे, वो तभी सर्वाइव करेंगे जब लोकल्स की सपोर्ट हो। लोकल में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको सपोर्ट करता ही हो, कुछ डर के मारे करेंगे, कुछ मतलब से करेंगे, कोई कुछ कुछ करेगा। वीरप्पन को ढेर करने वाले विजय कुमार ने वीरप्पन पर एक किताब भी लिखी है। उनका मानना है कि वीरप्पन को जिस तरह अपने इलाके के जंगलों के चप्पे चप्पे का पता था, ठीक उसी तरह हिटमा भी सुकमा और आसपास के जंगलों के हर रास्ते से वाकिफ है, जिसकी वजह से उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वीरप्पन का तो वो डकैत टाइप का, वो बैंडिट टाइप का दूसरा तरीका था, लेकिन कॉमन पॉइंट है कि जंगल में ये फाइट चल रहा है। जंगल एडवांटेज पहले लोकल आदमी को, पहले फर्स्ट एडवांटेज लोकल आदमी के पास है, सेम एडवांटेज इनको पास भी है, माओवादी के पास वो एडवांटेज। 49 साल का हिटमा सुकमा के मुरिया गोंड जाति का आदिवासी है। हिटमा अपनी जातिगत पहचान का भी बखूबी इस्तेमाल करता है। कुछ ऐसे ही वीरप्पन भी करता था, वो वनियार जाति का था, उसे भी अपने जाति का समर्थन हासिल था। वीरप्पन की तरह ही हिटमा का इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी मजबूत है। माना जाता है कि जिस जगह पर भी हिटमा रहता है, वहां आसपास के 70 किलोमीटर के इलाके में अगर सुरक्षा बल किसी भी तरह की हरकत करते हैं तो उसे खबर मिल जाती है। इसके बाद स्थानीय लोग उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सुकमा के जंगलों में दहशत का दूसरा नाम बन चुका हिटमा की कहानी हैरान कर देने वाली है। वो 5 साल की उम्र से ही नक्सलियों के साथ रह रहा है। मौत से खेलने की ट्रेनिंग उसने बचपन से ही ली हुई है। यही वजह है कि हिटमा का काम करने का तरीका बाकी नक्सलियों से हटकर है। एक के बाद एक सुरक्षा बलों पर खौफनाक हमले। दूसरी ओर आदिवासियों को भड़काने वाले संदेश। ये है नक्सलियों का सरगना, हिटमा के काम करने का वो तरीका जिसकी वजह से वो अब तक सबसे खूंखार नक्सली माना जा रहा है। हिटमा की जो मुख्य योजना है सुरक्षा बलों पर हमला करने की, वो उसके आकाओं से मिलती रहती है जो वो पहले किया करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ साथ हमला करने के तरीकों में हिटमा ने बदलाव किया है। हिटमा ने सुकमा और आसपास के जंगलों में अपनी एक सेना बना रखी है जो काफी पेशेवर अंदाज में काम करती है। उसकी सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन गोरेला आर्मी। हिटमा की पीपल्स लिबरेशन गोरेला आर्मी बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन इलाकों में ये सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। हिटमा की इस सेना में तकरीबन 250 लोग शामिल हैं। अपनी सेना में उसने हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है और जिम्मेदारी के हिसाब से सेना की तरह सबको अलग अलग रैंक दी गई है। हिटमा खुद को अपनी सेना का यूनिट कमांडर कहता है। उसके नीचे सीतू नाम का शख्स है जिसे हिटमा का दाहिना हाथ माना जाता है। सीतू के नीचे फर्स्ट कमांडर सोनू नाम का नक्सली है, जबकि सेकंड कमांडर नागेश नाम का नक्सली है। खास बात यह है कि इस खूनी सेना के कमांडर यानी हिटमा, सीतू, सोनू और नागेश हमेशा 40-50 लोगों के साथ ही चलते हैं। हिटमा की रणनीति के मुताबिक ये आपस में कभी एक साथ नहीं चलते हैं, वो अलग अलग इलाकों में काम करते हैं। जब एक यूनिट कोई हमला करती है तो दूसरी उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। क्यों कामयाब हुआ? उनका इंटेलिजेंस का वजह से। वो उनको लोग पहले आके सर्वे कर दिया, हमारा जवानों को क्या है पैटर्न, उन्होंने वो स्टडी कर लिया। वहाँ लोकल कमांडर एक्सपर्ट कमेटी आके देखा है,
फिर उन्होंने धीरे धीरे प्लान, उनके पास बहुत समय है प्लान करने के लिए, वो प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल में हमेशा लोकल को एडवांटेज होता है। हिडमा ने अपनी सेना को जिस तरह पेशेवर बना रखा है ठीक उसी तरह से उसका काम करने का तरीका भी है। हवाई हमलों से बचने के लिए हिडमा ने बंकर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। ये है हिडमा के बंकर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। हिडमा की सेना इस तरह के बंकरों का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। ये बंकर 5 फीट गहरे, 5 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े होते हैं। सुकमा के घने जंगलों में ऐसे बंकर कदम कदम पर नक्सलियों ने बनाए हैं। गांव वालों को साथ जाते हैं, उनको मदद ह्यूमन शील्ड बना के जाते हैं। ये हमारा डिफिकल्टी है। हम अगर आगे मुठभेड़ में आगे सामने आ गया, शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड के साथ कभी कभी। यही नहीं, हिडमा की सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उसे हिडमा अपने शातिर दिमाग से और खतरनाक बनाता जा रहा है। हिडमा तीर को रॉकेट लॉन्चर के साथ जोड़कर इस्तेमाल कर रहा है। वो तो उनकी ज्यादातर तो वेपन्स इंडिजिनस वेपन्स हैं जो वो मॉडिफाई करके बनाते हैं। जैसे उन्होंने तीर से रॉकेट लॉन्चर टाइप ये चीज इजाद कर ली, तीर के साथ में रॉकेट लगा देते हैं, उसका रेंज बढ़ा लिया उन्होंने। एक तरफ हिडमा जहां सुरक्षा बलों के खिलाफ खतरनाक हथियार बना रहा है, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों को सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काने के लिए भी उसने मुहिम चला रखी है। न्यूज़ 18 इंडिया पहली बार हिडमा के काम करने के तरीके का पर्दाफाश कर रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि हिडमा एक ओर सुरक्षा बलों से मुकाबले के लिए नए नए तरीके अपना रहा है, तो दूसरी ओर तकनीक का सहारा लेकर आदिवासियों को भड़का रहा है, जो एक नई चुनौती है। हिडमा जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है और जिस तरह से वो अपने शातिर दिमाग से हमले के जो तरीके हैं वो बदल रहा है, उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी उसके सफाए का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ये है नक्सलियों की तैयारी, जो सुरक्षा बलों से मुकाबले के लिए जंगलों में हो रही है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। हिडमा नक्सलियों को इस तरह के नए नए तरीकों से लगातार ट्रेनिंग देता रहता है। हिडमा ने अपनी रणनीति के तहत हर टीम की दो दो टुकड़ियां बनाई है, ताकि हमले के वक्त एक के जख्मी होने पर दूसरी उसकी मदद कर सके। इसी रणनीति का नतीजा है कि हिडमा पिछले 1.5 महीने में 2 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। ये उन 2 हमलों का ही नतीजा था कि पहली बार नक्सल समस्या से जुड़े जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सब इकट्ठा हुए एक साथ दिल्ली में एक पुख्ता रणनीति बनाने के लिए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सली जिस तरह अपने काम का तरीका बदल रहे हैं और जिस तरह वो अपनी ट्रेनिंग पर खास ध्यान दे रहे हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा बलों को भी उनसे मुकाबले के लिए अपने तरीके बदलने होंगे। हमारा टैक्टिक्स और युद्धकला इम्प्रूव करने का जरूरत है। हम उनको देखे, हम भी इम्प्रूव करना चाहें, वो हमें स्टडी करते हैं। हम सीआरपी का लोग कैसे करते हैं, बीएसएफ लोग क्या करते हैं, वो हमेशा स्टडी करके हमारा वीकनेस को वो ढूंढते हैं। सेम टाइप का हम भी मिमिक करना चाहिए। नक्सली भले ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हों, लेकिन वो घबराए भी हैं। सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में विकास के काम कर रही है, जिस तरह अंदरूनी इलाकों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, उससे नक्सली घबराए भी हुए हैं। वो उनको ऐसे लगता है कि अगर यहाँ डेवलपमेंट हो गया तो फिर उनको कोई पूछेगा ही नहीं, इसलिए वो सड़क भी बनने नहीं देना चाह रहे। नक्सलियों की इस घबराहट को देखते हुए जानकार मानते हैं कि नक्सलवाद इस इलाके में अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। मुझे लगता है कि ये लास्ट फेज ऑफ मौसम है। मैं ये नहीं कहूँगा ये 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल के अंदर डेफिनेटली मच मोर इम्प्रूवमेंट विल बी देयर। सुकमा इस वक्त नक्सलियों की राजधानी बन गई है।
यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के नक्सलियों ने भी अपना अड्डा बना लिया है, क्योंकि झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में नक्सलियों को तगड़ा झटका लग चुका है, जिसके बाद अब सिर्फ सुकमा से ही इनका सफाया होना बाकी है। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।